नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। एनडीए गठबंधन एक तरफ, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव को लेकर चिंतन मंथन कर रहा है, तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने के तमाम दावे पेश कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों पहले ये खबरें सामने आई कि बीएसपी की नेत्री मायावती यहां पर आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को साथ लड़ सकती। लेकिन राहुल गांधी पर जो बयान दिया मायावती ने, उसके बाद यहां गठबंधन की तमाम उम्मीदें समाप्त होती हुई नजर आ रही। राहुल गांधी ने अमेरिका में जिस तरीके से जाकर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा, उसके बाद मायावती ने कहा कि राहुल गांधी गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे, उनके बयान सीरियस नहीं लिए जाने चाहिए। यानी कि साफ तौर पर जिस तरीके से अखिलेश यादव जो कोशिशें करते नजर आ रहे थे, वो कोशिशें नाकाम होती हुई नजर आ रही। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है। इन 10 सीटों में से 5 सीटें 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने खाते में कर ली थी। 5 सीटों में से 3 सीटें मायावती और 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को देने पर समाजवादी पार्टी विचार कर रही। लेकिन ऐसे में मायावती का यह बयान कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में उनके दरवाजे बंद कर सकता है। आपको बता दें कि बहन कुमारी मायावती को लेकर के लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार उनकी राजनीतिक और सियासी जो यहाँ पर रणनीतियां हैं, वो किसको सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी तमाम यहाँ पर दावे और आरोप लगाती हुई नजर आ रही है और मायावती को बीजेपी की बी टीम बताती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि मायावती जिस तरीके से बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रही, इससे साफ प्रतीत हो गया है कि उत्तर प्रदेश से उनका सियासी जनाधार समाप्त हो चुका है। आपको बता दें कि मायावती ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए INLD के साथ गठबंधन किया है और INLO के साथ गठबंधन करने के बाद मायावती की पार्टी 37 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। उनका दावा है कि आने वाले वक्त में देश की राजनीति में बड़ा परिवर्तन लाने में BSP यहां पर बड़ा रोल निभाएगी। लेकिन देखना यह होगा कि आखिरकार मायावती किस तरीके से गठबंधन कर पाती है, क्या अखिलेश यादव मायावती के साथ उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए यहां पर गठबंधन करते हुए नजर आएंगे, क्या दोनों के बीच सहमति बन पाएगी। बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और इन बड़े सवालों के बीच मायावती के सियासी जनाधार को लेकर भी सवाल है। मायावती का सियासी जनाधार लगातार पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। दलित वोट बैंक में लगातार सेंधमारी हो रही है। दलित वोट बैंक को लेकर के पिछले दिनों PDA के नारे का इजाद अखिलेश यादव की तरफ से किया गया। कुछ वोट बैंक समाजवादी पार्टी के खाते में जाता हुआ नजर आया, तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर रावण भी ये कोशिशें कर रहे हैं कि दलित वोट बैंक के सहारे अपनी राजनीति को चमकाया जाए। लिहाजा मायावती की सियासी हैसियत का आगामी वक्त में अंदाज हो पाएगा। क्या आगामी वक्त में मायावती पर उत्तर प्रदेश की जनता विश्वास जता पाती। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।